आज का टॉपिक है डायरेक्टर, संचालक या निर्देशक। तो डायरेक्टर्स कौन होते हैं, उनका मीनिंग, पोजीशन, अपॉइंटमेंट, वेकेशन ऑफ ऑफिस, रिमूवल, पावर्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। डायरेक्टर से रिलेटेड सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मीनिंग, उसके बाद उसका अर्थ, संचालक का अर्थ क्या होता है, संचालक की स्थिति, पोजीशन क्या होती है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसकी पद मुक्ति कैसे होती है, उसका रिमूवल मतलब उसको हटाया जाना, उसका अधिकार, उसके कर्तव्य और उसका उत्तरदायित्व क्या होता है, ये सब हम क्या करेंगे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्टर क्या होता है। मीनिंग या अर्थ जिसको बोलते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर या संचालक। सबसे पहले उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि कंपनी और ऑनरशिप अलग अलग होती है। हमने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था कि कंपनी का जो प्रबंध होता है या कंपनी का मैनेजमेंट होता है या जो कंपनी होती है, वो दोनों चीजें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, वो एक नहीं होती हैं। तो हमने कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी कि कंपनी कैसे बनती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिनको हम प्रपत्र कहते हैं या प्रलेख कहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, हमने वो सारी चीजें डिस्कस की। तो आज हम देख रहे हैं कि कंपनी का प्रबंध तथा स्वामित्व में क्या होती है, पृथकता, डिवोर्स बिटवीन इन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, दोनों क्या होती है, अलग अलग होते हैं। कंपनी में प्राय अंशधारियों की संख्या बहुत अधिक होती है, अधिक संख्या में अंशधारी होने के कारण सभी को सक्रिय रूप में से प्रबंध में भाग देना संभव नहीं होता, अतः कुछ चुने हुए प्रतिनिधि ही प्रबंध संचालन का क्या करते हैं, काम करते हैं। हमने क्या देखा कि जो कंपनी होती है, व्यवसाय जो होता है, कोई भी व्यवसाय या बिजनेस होता है, उसको उसके अन्य प्रारूपों की तुलना में कंपनी की महत्वपूर्ण क्या होती है, विशेषता होती है कि इसमें प्रबंध वह स्वामित्व में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। एकाकी व्यापार एवं साझेदारी व्यवसाय का स्वामी और प्रबंधक एक ही व्यक्ति होता है, क्योंकि वो वन पर्सन कंपनी होती है। परंतु कंपनी में प्रबंध व स्वामित्व में अलगाव या पृथकता की स्थिति कैसी होती है, हमेशा पाई जाती है, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी के वास्तविक स्वामी उसके कौन होते हैं, अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, परंतु प्रबंध व्यवस्था अंशधारियों के पास ना होकर उन्हीं के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जिन्हें संचालक के नाम से जाना जाता है, के पास होती है। डायरेक्टर्स कौन होते हैं, हम उनको समझने के लिए पहले क्या मैंने समझाया आपको कि कंपनी और कंपनी का ऑनर दोनों डिफरेंट होते हैं, बट कंपनी के ऑनर तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके पास क्या होती है, उसकी ऑनरशिप, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है और क्या करती है, अर्न करती है उसी के बेसिस पे, उसको जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे पर्सन उसके ऑनर हैं, बट सब लोग किसका, प्रबंध का या मैनेजमेंट का काम नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोगों से तो मैं नहीं करवा सकती, क्योंकि सभी लोग सक्रिय रूप से उसमें क्या नहीं होते हैं, पार्टनर्स नहीं होते या भागीदार नहीं होते। तो क्या करते हैं हम, कंपनी के वास्तविक स्वामी उसके अंशधारी होते हैं, परंतु प्रबंध व्यवस्था अंशधारियों के पास ना होकर उन्हीं के चुने हुए प्रतिनिधि, मतलब उन्हीं से क्या होती है, वोटिंग के थ्रू क्या करते हैं, एक संचालक चुना जाता है, ठीक है, जिन्हें संचालक के नाम से जाना जाता है, जो वो प्रतिनिधि होता है, जो क्या करता है, उन सबके लिए काम करता है। क्या करता है वो, मैडम पढ़ा रही है। प्रतिनिधि क्या करता है, उसको मैनेज करता है। वो सब प्रतिनिधि कौन चुनते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी होते हैं, वही क्या करते हैं, उनको चुनते हैं, और वो क्या करते हैं, फिर प्रबंध का काम करते हैं, क्योंकि जितने सारे जितने सारे कंपनी की ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट करते, इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो सब तो कंपनी में क्या नहीं कर सकते, मैनेजमेंट का वर्क नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या बनाए जाते हैं, संचालक बनाए जाते हैं या डायरेक्टर्स बनाए। ये तो क्या हुआ हमारा, बेसिक हुआ कि डायरेक्टर्स कौन हो सकता है। तो हमने समझा कि कंपनी सेपरेट थी, उसका ऑनर सेपरेट था, पर ऑनर्स भी बहुत सारे हैं। अब उन बहुत सारे ऑनर्स को मुझे क्या करना है, वो सब तो एक्टिव नहीं होते हैं, सब एक्टिव नहीं है, तो उनमें से हम क्या करते हैं, वही सब जितने लोग ऑनर्स होल्डर्स होते हैं, वो सब मिलके क्या करते हैं,
एक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं। क्लियर हुआ अभी सबको कि डायरेक्टर कौन होगा? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि डायरेक्टर कौन होगा, है ना। अब उसके बाद उसको आगे हम और एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या बोल रहा है, मुझे समझ में आ गया। फिर क्या बोल रहा है कि वास्तव में कंपनी के प्रजातांत्रिक प्रबंध व्यवस्था पाई जाती है, जिस प्रकार राजनीतिक प्रजातंत्र में शासन की बागडोर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है, उसी प्रकार कंपनी के प्रबंध की बागडोर भी अंशधारियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। कंपनी के प्रबंध व स्वामित्व में पृथकता के लिए वो बता रहे कि कौन कौन से कारण होते हैं। मुझे समझ में आया कि क्या होगा, कंपनी में डायरेक्टर की क्या पोजीशन होगी, वो मुझे समझ में आ गया। क्योंकि एक कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो इंडिविजुअल होता है, इंटेंजिबल होता है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, लॉ की नजरों में सिर्फ दिखता है, क्योंकि हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको कहीं टच नहीं कर सकते, वो मुझे कहीं दिखता ही नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके लिए काम कौन करता है, जो उसका ऑनर होता है। बट कंपनी के ऑनर तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हम ऑनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी बेसिस पे मैंने क्या देखा, तो फिर कंपनी को मैनेज कौन करेगा, तो जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं वो थ्रू वोटिंग राइट क्या करते हैं, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, और वही क्या करता है, फिर काम करता है। जैसे हमारे देश में प्रजातंत्र है, लेकिन क्या करते हैं, ऐसे बता रहा है कि हमने जिसको सिलेक्ट किया वही क्या करता है, हमारे लिए काम करता है। सेम डायरेक्टर के हाथ में फिर क्या हो जाती है, जो अंशधारी जिनको चुनते हैं उन्हीं के उसके हाथ में उसकी बागडोर हो जाती है। तो क्या बोल रहा है ये कि सेक्शन किस में आएगा, डायरेक्टर मुझे पढ़ना है, तो डायरेक्टर किस में आता है, सेक्शन 252 में। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, इनटेंजिबल एंड एग्जिस्ट ओनली इन द आई ऑफ लॉ। इट हैज नाइदर अ माइंड नॉर अ बॉडी और इट्स ऑन। हमने पहले भी पढ़ा कि कंपनी का कुछ खुद का दिमाग नहीं होता है, जो उसका ऑनर होता है, उसका मालिक होता है, वही क्या करता है, उसके लिए काम करता है। तो अगर कोई गलत काम करता है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उसके ऊपर से पर्दा हटाया जाता है, बहुत सारी सिचुएशंस थी। तो क्या बोला, इट नाइदर अ माइंड नॉर अ बॉडी इट्स ऑन, हैंस वी हैव टू इंटरेस्ट इन बिजनेस टू ह्यूमन एजेंट, therefore control of its management and the exercise of its power must necessary to be delegated। मुझे उनको क्या करना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो खुद होता नहीं है सामने प्रेजेंट, और लोगों को क्या करना है, काम करना है उसके साथ, तो कंट्रोल कौन करेगा, उसके लिए हमें क्या जरूरी है कि वो किसके पावर किसी के पास दी जाए, जिसके थ्रू क्या कर सके, हम काम कर सके। डायरेक्टर हैव टू एक्ट एन एजेंट ऑफ कंपनी विच डेलीगेट्स टू दैम most of its power through the memorandum and article of association। हमने देखा था कि जब हम कंपनी का पहला डॉक्यूमेंट, पहला प्रपत्र बना रहे थे, तो उसमें ही हमने देखा था कि वो क्या करना था, हमको अपने डायरेक्टर का, संचालक का, जो भी हमारा काम करेगा, निर्देशक, उसका निर्णय लेना था। तो वो क्या बोल रहा है कि उसमें ही इंफॉर्मेशन दी रहती है, द जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, द मैनेजमेंट एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स who from the board of directors, ठीक है, the director are responsible for contemplating and determining the general policies of management, directing the company's business in the best manner possible। जितना वो कर सकते हैं उतने अच्छे तरीके से उसके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। क्लियर है सभी को, डायरेक्टर कौन होता है उसकी परिभाषा भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे कि मुझे शब्द से ही क्या हो रहा है, देखो डायरेक्टर वर्ड से ही क्या समझ में आ रहा है कि कोई डायरेक्ट कर रहा है, कोई मुझे निर्देश दे रहा है। तो क्या बोल रहा है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, शाब्दिक दृष्टि में संचालक से आशय उस व्यक्ति से होता है जिसने संचालन का स्थान ग्रहण किया हो, चाहे वह जिस नाम से पुकारा जाए। कंपनी के संदर्भ में अगर बात करें, कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो संचालक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के सदस्यों द्वारा कंपनी का प्रबंध, संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। मतलब कंपनी के मेंबर्स के थ्रू उनको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, किस लिए, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का डायरेक्शन, कंपनी का प्रॉपर संचालन हो रहा है कि नहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है।
अब इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें नहीं दी हुई है, मैं बता रही हूँ। कंपनी अधिनियम धारा 2 सेक्शन 2 में 34 के अनुसार संचालक कंपनी का एक अधिकारी होता है। ऑब्वियस है, एक वो क्या है, ऑफिसर है, जो क्या करता है, कंपनी के लिए काम कर रहा है। डायरेक्टर इज एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, सिंपल, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन क्या बोल रही है, कंपनी अधिनियम 234 में, सेक्शन 2 के 34 में ही बता रहा है, संचालक से आशय कंपनी के मंडल द्वारा नियुक्त संचालक से है। डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अपॉइंट टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, जिसको किसने किया है, बोर्ड ऑफ कंपनी ने क्या किया है, सिलेक्ट किया है फॉर संचालिंग, अपॉइंट किया है या सिलेक्ट किया है। या मैं बोल सकती हूँ कि कंपनी अधिनियम में सेक्शन 170 में एक क्या दिया हुआ है, क्लेरिफिकेशन या स्पष्टीकरण दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जिसके आदेशों व निर्देशों के अनुसार कंपनी का संचालन मंडल कार्य करने का आदि है, कंपनी का संचालक समझा जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति जिसके हम क्या मानते हैं, ऑर्डर्स रूल्स को हम क्या करते हैं, फॉलो करने के लिए आदि है, वो क्या हो जाएगा, संचालक हो जाएगा। एनी पर्सन अकॉर्डिंग विद द हूज इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज अकस्टेड टू एक्ट शैल बी डीम टू बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, उसे कंपनी का संचालक समझा जाएगा। द कंपनी इटसेल्फ कैन नॉट एक्ट इट्स ऑन पर्सन, इट कैन ओनली थ्रू द डायरेक्टर। क्या बोल रहा है, संचालक, हाँ ये हमने देख लिया। फिर क्या बोल रहे हैं, क्लियर है, इतने से तो समझ में आ गया मुझे कि क्या होता है कंपनी का डायरेक्टर। आ गया सभी, सभी को समझ में आया कि डायरेक्टर क्या होते हैं, संचालक क्या होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है और क्या परिभाषा है, क्यों संचालक बनाने की आवश्यकता है, डायरेक्टर्स की क्यों रिक्वायरमेंट है। क्लियर है सभी को, यस मैम। देखो और अगर मैं देखूं तो ये तो हमने क्या देखी, कंपनी एक्ट के सेक्शन के अकॉर्डिंग। अब जो क्या होते हैं, जजेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी कुछ डेफिनेशन दी हुई है डायरेक्टर्स की। एक एक बताती हूँ, क्या बोल रहा है, संचालक से आशय किसी भी व्यक्ति से है जो कंपनी के मामलों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंट टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जितने भी क्या है, काम है, मामले हैं, उनके लिए क्या किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, वो कौन हो जाएगा, उसका डायरेक्टर हो जाएगा। तो मुझे इन सबसे कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि जो डायरेक्टर है वो एक पर्सन है जो कंपनी से के संबंध में निर्देशन, शासन अथवा नियंत्रण के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, तथा उसे संचालक का कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। क्लियर है सभी को, संचालक क्या होता है। अब हम देखते हैं उसके बाद संचालकों की विशेषताएं, फिर देखेंगे काइंड्स ऑफ डायरेक्टर। संचालकों के लक्षण, विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायरेक्टर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सबसे पहले मुझे समझ में आ गया, एक संचालक सदैव एक व्यक्ति ही होता है, कोई कृत्रिम व्यक्ति, फर्म या संस्था नहीं। अभी समझ में आ गया, संचालक कंपनी एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन डायरेक्टर तो कौन होता है, एक हमेशा नॉर्मल पर्सन होता है। संचालक को सामूहिक रूप से संचालक मंडल या मंडल कहा जाता है। संचालक से आता है संचालक का पद ग्रहण किए जाने से, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, वो क्या करेगा, उसका जो बोलना चाहिए पोस्ट है या जो पोजीशन है उसको क्या कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है, तो वो कौन होगा, डायरेक्टर होगा, चाहे उसे हम किसी भी नाम से बुलाएं। संचालक की नियुक्ति कंपनी के सामान्य कार्यों का प्रबंध करने के लिए की जाती है। जैसे अभी हम डेफिनेशन में इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे कि होता कौन है डायरेक्टर, जो क्या करता है, कंपनी के मैनेजमेंट को या कंपनी के लिए क्या करता है, सारे रूल्स और रेगुलेशन को क्या कराने के लिए, फॉलो कराने के लिए बनाया गया है। किसके लिए, उसके मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए।
संचालक कंपनी के अंशधारियों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। हमने पहले ही देख लिया कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिसाइड करके एक अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव तैयार करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं। प्रत्येक संचालक संचालक मंडल के प्रति उत्तरदायी होता है और संचालक मंडल कंपनी के प्रति उत्तरदायी होती है। दोनों एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। संचालकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कंपनीज एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालकों का होना अनिवार्य है। मतलब अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो कितने होने चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए। अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो 2 हो सकते हैं मिनिमम, और अगर 1% कंपनी है तो उसका तो फिर एक ही होल्डर होगा, एक ही संचालक होगा। एक कंपनी अधिकतम 15 संचालकों की नियुक्ति कर सकती है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 15। कंपनी 15 संचालकों से अधिक संचालकों को व्यापक सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमको क्या क्लियर हुआ कि संचालक या डायरेक्टर्स या निर्देशक कौन होते हैं, उसके बाद हमने देखा उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण होते हैं, फिर हमने देखा कि संचालकों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो संचालकों की न्यूनतम संख्या अगर पब्लिक कंपनी है तो 3, प्राइवेट कंपनी है तो 2 मिनिमम, मैक्सिमम और 1% कंपनी है तो 1 ही होगा, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 15। और अगर कोई 15 से ज्यादा करना चाहता है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और एक विशेष प्रस्ताव पारित करके फिर वो उसको आगे और संचालक बना सकते हैं। क्लियर है? अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ डायरेक्टर कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है फुल टाइम डायरेक्टर, जो क्या करता है, पूरे टाइम काम करता है। काइंड्स ऑफ डायरेक्टर कितने प्रकार के संचालक होते हैं, संचालकों के प्रकार। फुल टाइम वर्किंग डायरेक्टर, जो क्या करता है, पूरा समय क्या करता है, काम करता है किसमें, कंपनी में। क्योंकि हमने क्या बोला कि कंपनी के 2 और 2 से ज्यादा मतलब 15 हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे डायरेक्टर कैसे हो, फुल टाइम वर्किंग हो। तो क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टर में भी फुल टाइम वर्किंग डायरेक्टर, नेमली मैनेजिंग अ होल टाइम डायरेक्टर कवर्ड बाय द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। मैनेजिंग द होल टाइम डायरेक्टर आर इन चार्ज ऑफ डे टू डे कंडक्ट ऑफ द अफेयर जो ऑफ अ कंपनी एंड आर टुगेदर विद अदर टीम मेंबर्स कलेक्टिवली नोन एज मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो किस में आता है, फुल टाइम डायरेक्टर में आता है। जो डे टू डे एक्टिविटी जो होती है, डेली एक्टिविटी, उन सबको देखता है, सारे काम करता है, सारे चार्जेस को देखता है, मिलके काम कर रहे हैं, वो कौन हो गए, फुल टाइम डायरेक्टर हो गए। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं, अ कंपनी मे ऑल्सो हैव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉलिसी फॉर्मेशन और इन सब में काम करते हैं, वो डे टू डे और होल टाइम आपकी कंपनी के लिए नहीं देते, तो वो कौन हो जाते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव। फिर क्या बोल रहा है, शेडो डायरेक्टर। अनदर कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर कैन बी रिकॉग्नाइज एज पर सर्टेन प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, शेडो डायरेक्टर। दीज सो कॉल्ड डीम्ड डायरेक्टर एक्वायर देयर स्टेटस बाय वर्च्यू ऑफ देयर गिविंग इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू विच अपॉइंट डायरेक्टर आर कमिटेड टू एक्ट। हमने क्या देखा, 3 टाइप। एक तो देखो मेनली कौन होगा, जो फुल टाइम काम करेगा, जो डे टू डे एक्टिविटीज को, डेली अफेयर्स, जो भी कंपनी में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी वर्क हो रहा है, उन सबको मैनेज करेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव होगा। जो क्या नहीं कर रहा है, डे टू डे वर्क में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन वो कंपनी के डायरेक्टर्स में ऐड है और बाकी सारे डिसीजन में हेल्पता है, एक होता है शेडो डायरेक्टर। क्लियर है कितने टाइप के डायरेक्टर हो सकते हैं? अब हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। या जिसको बोलते हैं संचालकों की नियुक्ति। संचालकों की नियुक्ति के हमने क्या किए, कुछ स्टेप ले लिए हैं। इसमें बता रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हैपन इन द फॉलोइंग वेज।
वैधानिक रूप से एक फर्म, संस्था या कंपनी किसी कंपनी के संचालक के पद पर नियुक्त नहीं की जा सकती, एक व्यक्ति ही संचालक बन सकता है। संचालक के पद पर नियुक्त करने किए जाने वाला व्यक्ति क्या करेगा? सेक्शन 164 के अंतर्गत अयोग्य नहीं होना चाहिए, उसके पास न्यूनतम योग्यता अंश होने चाहिए। कौन कौन से प्रावधान होना चाहिए अब हम वो देखते हैं। प्रथम, संचालकों की नियुक्ति, क्या बोल रहा है? फर्स्ट डायरेक्टर। प्रथम संचालकों की नियुक्ति, फर्स्ट डायरेक्टर। द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी यूजुअली नेम द फर्स्ट डायरेक्टर बाय द रिस्पेक्टिव नेम और प्रेस्क्राइब द मेथड ऑफ अपॉइंटिंग देम। If the director are not named in the article, the name, the number of director and the name of the first director are determined in written by the subscribe of memorandum of or a majority of them. क्या बोल रहा है कि प्रथम संचालकों की नियुक्ति प्राय है, पहले तो हमने सबने पढ़ा था कि किसके थ्रू ही होती है, प्रमोटर्स के थ्रू ही होती है, प्रवर्तकों के द्वारा ही किया जाता है। उनके नाम अंतर नियमों में, जैसा इसमें दिखा रहे हैं आर्टिकल में, मेमोरेंडम में क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। अंतर नियमों में यह व्यवस्था की जाती है कि पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षरों या उनमें अधिकांश, मेजॉरिटी, जो भी मेजॉरिटी होते हैं, हस्ताक्षर करता प्रथम संचालक के रूप में कार्य करे। क्या बोल रहे हैं कि यदि अंतर नियमों में संचालक के नाम नहीं दिए हुए हैं, ना ही उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई व्यवस्था की गई है, तो पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ही कंपनी के प्रथम संचालक मान लिए जाते हैं। क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो हमने देख लिया कि जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं, और उसमें आर्टिकल ऑफ किसमें अपना दिया रहता है, क्या किसका नाम, संचालकों का या डायरेक्टर्स का नाम, जो मेजॉरिटी क्या करते हैं, साइन करते हैं किसमें, पार्षद सीमा नियम में, वो कौन होते हैं, प्रथम संचालक होते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि वो पार्षद सीमा नियम में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अंतर नियम में अगर संचालकों के नाम नहीं दिए हुए हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके नाम नहीं दिया हुआ है, तो जो पार्षद सीमा नियम में जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं उन्हीं को हम क्या मान लेते हैं, प्रथम संचालक मान लिए जाते हैं। प्रवर्तक क्या करते हैं, कोई भी कंपनी का प्रमोटर जो होता है वो क्या काम करता है, हमने देखा था कि वही डिसाइड करता है कि कौन संचालक होगा, तो वो किसमें बताता है, पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। बट किसी रीजन से अगर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो नाम नहीं देता है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो नाम दिए रहते हैं, जिनके फर्स्ट साइन होते हैं, उनको ही हम क्या मान लेते हैं, कंपनी का प्रथम संचालक मान लेते हैं। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय कंपनी। सदस्यों द्वारा सामान्य सभा में संचालकों की नियुक्ति कैसे होती है, सदस्यों द्वारा हो सकती है, तो क्या बोल रहा है, प्रथम संचालक के बाद संचालक की नियुक्ति व्यापक सभा में सदस्यों द्वारा की जाती है। यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रथम संचालक का कार्यकाल प्रथम व्यापक सभा तक ही होता है। एक सार्वजनिक कंपनी अथवा ऐसी निजी कंपनी जो कंपनी सार्वजनिक कंपनी की सहायक है, वे कुल संचालकों में से कम दो तिहाई संचालक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी कार्यकाल की अवधि संचालकों की पारी से रिटायर होने की विधि के अनुसार निर्धारित होगी। अंतर नियमों के अंतर्गत प्रत्येक वार्षिक व्यापक सभा के समय सभी संचालकों को क्या करते हैं, रिटायर करने की व्यवस्था की जाती है। निजी कंपनी में की अवस्था में अंतर नियमों में सभी संचालक को स्थायी रूप से बने रहने की व्यवस्था की जाती है। ये किसके द्वारा बता रहा है, सदस्यों द्वारा बता रहा है अभी मुझे कि सदस्यों द्वारा नियुक्ति कैसे होती है। फिर पारी में रिटायर होने के द्वारा बताएगा, रिक्त पद को भरने की बात बताएगा, रिटायर हो गए तो उसकी जगह में कौन कौन आ सकता है, वो सब इसके बारे में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 255, डायरेक्टर मस्ट बी अपॉइंट बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग एट द फर्स्ट एनुअल मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी व्हिच इज सब्सिडियरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी हेल्ड आफ्टर द जनरल मीटिंग एट व्हिच द फर्स्ट डायरेक्टर आर अपॉइंट इन एवरी सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग।
क्या बोल रहा है कि वो हर साल क्या किए जाएंगे, रिटायर किए जाते हैं पब्लिक कंपनी में, दूसरे आते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में वो स्थायी रूप से भी बने रह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड ऑफ मीटिंग, मतलब संचालक मंडल द्वारा संचालकों की नियुक्ति। पहले तो कौन होगा, फर्स्ट डायरेक्टर कौन होते हैं, जो प्रमोटर बनाते हैं या जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे जिनका साइन होता है। सेकंड कंपनी बनाती है, अब संचालक जो बन चुके हैं वो भी कुछ बनाते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स बनाते हैं। क्या बोल रहा है, एडिशनल डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी और एज अल्टरनेट डायरेक्टर, मतलब कि अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति होती है, आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है और वैकल्पिक संचालक बनाए जाते हैं। अतिरिक्त में क्या होता है, अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति अंतर नियम द्वारा अधिकृत होने पर संचालक मंडल अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति कर सकता है। ऐसे अतिरिक्त संचालकों का कार्यकाल आगामी वार्षिक सामान्य बैठक या आखिरी दिन जिस पर वार्षिक बैठक होनी चाहिए थी, जो भी जल्दी हो सकता है तब तक सीमित रहता है, जो अतिरिक्त बनाए जाते हैं। आकस्मिक की बात करें तो यदि निजी कंपनी द्वारा नियुक्त किसी संचालक के स्थान उसके कार्यकाल पूरा होने के बाद किसी कारणवश क्या रह जाता है, रिक्त रह जाता है, तो अंतर नियमों में दी गई रीति के अनुसार उसे भरने का अधिकार होता है। और आकस्मिक रिक्त स्थान पर नियुक्त संचालक केवल उस समय तक पद पर रहेगा जब तक कि वह व्यक्ति, जब तक उस रिक्त स्थान को भरने वाला कोई व्यक्ति नहीं आ जाता। तो क्या बोल रहा है कि हमको समझ में आ रहा है, आकस्मिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि क्या हो जा रहा है, कि अगर जो प्राइवेट कंपनी में संचालक है उसका टाइम पूरा हो गया और दूसरा संचालक नहीं बन पाया, उसका प्लेस खाली है, तो उस जगह पे क्या बन जाते हैं, आकस्मिक। और अतिरिक्त संचालक बनाए जाते हैं, कौन बनाता है, संचालक ही बनाते हैं। वैकल्पिक संचालक क्यों बनाए जाते हैं, अल्टरनेट, अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होने पर या व्यापक सभा में प्रस्ताव पारित करने पर संचालक मंडल किसी संचालक के स्थान पर वैकल्पिक संचालक नियुक्त कर सकता है। किसी एक पर्सन के प्लेस पे दूसरे पर्सन को क्या कर सकता है, वो नियुक्त कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय थर्ड पार्टी, अब तृतीय पक्षकारों द्वारा संचालकों की नियुक्ति। तृतीय पक्षकारों द्वारा भी कभी कभी क्या होती है, संचालकों की नियुक्ति होती है। अधिक अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होने पर तृतीय पक्षकारों भी कंपनी के संचालकों की नियुक्ति कर सकता है। कितने, वन थर्ड पार्ट में और टू थर्ड पार्ट में, वही दिखा रहा है, क्या बता रहे हैं, आर्टिकल अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस गिव पावर टू डिवेंचर होल्डर और अदर क्रेडिटर, दैट इज फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हु हैव एडवांस लोन टू द कंपनी टू अपॉइंट देयर नॉमिनीज टू द बोर्ड। फिर क्या बोल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी प्रोपोर्शनल के लिए क्या बोल रहा है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर भी संचालकों की क्या की जा सकती है, नियुक्ति की जा सकती है। ये हमने क्या पढ़ा, और जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी किसी कंपनी के डायरेक्टर्स बनाए जा सकते हैं। तो ये हमने क्या क्या डिस्कस किया, जो हमने डिस्कस किया उसमें किसी को कुछ डाउट तो नहीं है। हमने डिस्कस किया कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं, उसके बाद हमने डिस्कस किया उसकी डेफिनेशन, फिर डायरेक्टर्स की हमने देखा कि टाइप ऑफ डायरेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनका कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्लियर है सभी को?